नमस्कार। राजस्थान कांग्रेस में गहलोत सरकार की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा ये कहना काफी मुश्किल है, लेकिन राजस्थान कांग्रेस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये स्पष्ट है कि इस बार अशोक गहलोत अपनी सीएम गद्दी को नहीं बचा पाएंगे। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश टू राजस्थान में दोहराया जा रहा है। जिस तरह से राहुल गांधी के जिगरी यार मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस को छोड़कर के बीजेपी का दामन थाम लेते हैं, अपने समर्थक 22 विधायकों के साथ वो बीजेपी में शामिल होते हैं और कमलनाथ सरकार को गिरा देते हैं, उसी तरह से राजस्थान में राहुल गांधी के जिगरी यार सचिन पायलट अब कांग्रेस को छोड़कर के बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। दरअसल एसओजी ने 10 जुलाई को सचिन पायलट को जो विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में एक नोटिस दिया, इस नोटिस के मिलने के बाद सचिन पायलट हैं वो तिलमिला गए, वो अशोक गहलोत से काफी नाराज हुए। ऐसे में उन्होंने अपने सभी समर्थक विधायकों को एकत्रित करना शुरू किया। 13 निर्दलीय विधायकों को भी एसओजी की तरफ से नोटिस मिला। ऐसे में सचिन पायलट खेमे के सभी समर्थक विधायक अपना बोरिया बिस्तर बांध करके गुड़गांव के एक होटल में चले गए। कल रात को 17 से 18 सचिन पायलट खेमे के विधायक हैं वो लग्जरी कलेक्शन जो गुड़गांव के अंदर होटल है वहां पर पहुंच गए थे, उनकी बाड़ेबंदी वहां पर कर दी गई थी। लेकिन इस बार ये संख्या सिर्फ 17-18 ही नहीं बल्कि काफी ज्यादा होने वाली है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ITC भारत होटल जहां पर मध्य प्रदेश के जो ये विधायक थे बागी विधायक उनको ठहराया गया था, उस होटल के अंदर फिलहाल 22 विधायकों को रखा गया है। 22 विधायक ITC ग्रैंड होटल के अंदर ठहरे हुए हैं, वहां पर उनकी बाड़ाबंदी की हुई है। इसके अलावा राजस्थान कांग्रेस के 24 विधायक फिलहाल हरियाणा के मानेसर भी पहुंच चुके हैं। ये सभी 24 विधायक हैं सचिन पायलट खेमे के हैं, ऐसे में निर्दलीय भी इनमें शामिल हैं। इसके अलावा कांग्रेस के विधायक भी शामिल हैं। 24 हरियाणा के मानेसर पहुंच चुके हैं, 22 विधायक वो ITC ग्रैंड होटल में मौजूद हैं और 12 विधायक फिलहाल पायलट समर्थक पायलट के साथ दिल्ली में मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर, यानी कि 50 के लगभग विधायक जो निश्चित तौर पर जो अशोक गहलोत सरकार के हैं वो अब बगावत के सुर अपना चुके हैं। उन्होंने ठान लिया है कि अशोक गहलोत को सबक सिखाना है तो निश्चित तौर पर उनकी सीएम गद्दी को छुड़वाना ही होगा, उनकी सीएम गद्दी है वो गिरवानी ही पड़ेगी। ऐसे में अब अशोक गहलोत के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी है। अशोक गहलोत ने कल CMR की एक बैठक ली, इस बैठक में 10 कांग्रेसी मंत्री भी नहीं पहुंचे, टोटल 23 मंत्री हैं राजस्थान के मंत्रिमंडल में, उनमें से 10 इस CMR की बैठक में नहीं पहुंचे, तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि राजस्थान कांग्रेस में क्या चल रहा है। फिलहाल पायलट एसओजी की पूछताछ और अशोक गहलोत की साजिश से बिल्कुल नाराज चल रही हैं और यही कारण है कि सचिन पायलट कल से ही दिल्ली के अंदर मौजूद हैं, उनके साथ उनके 12 समर्थक विधायक बताए जा रहे हैं। 22 विधायकों का ITC के अंदर बाड़ेबंदी कर दी गई है और ये वही होटल है जहां पर मध्य प्रदेश के विधायकों को ठहराया गया था, उसके बाद वो मानेसर शिफ्ट हुए थे। यानी कि लग्जरी कलेक्शन गुड़गांव के अंदर जो विधायक पहुंचे थे उनको फिलहाल हरियाणा के मानेसर पहुंचा दिया गया है और जो 22 ITC ग्रैंड के अंदर होटल के अंदर बाड़ेबंदी में मौजूद हैं उनको भी हरियाणा के मानेसर पहुंचाने की खबर आ रही है। फिलहाल अभी तक 12 विधायक जो निश्चित तौर पर सचिन पायलट के दिल्ली में मौजूद हैं उनके साथ मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात का समय सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने नहीं दिया। जी हां दोस्तों, पायलट को मिलने का समय राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तरफ से नहीं दिया गया है, इस तरह की खबरें सामने आ रही है। इसके अलावा भी बताया जा रहा था कि पायलट ने दिल्ली में जो अहमद पटेल से मुलाकात भी की थी, लेकिन इन बातों को लेकर के कांग्रेस खंडन कर चुकी है कि अहमद पटेल से सचिन पायलट की किसी तरह की कोई मुलाकात दिल्ली में नहीं हुई है। कल रात आधी रात को अशोक गहलोत ने राजस्थान की सभी सीमाएं भी सील कर दी है। जी हां दोस्तों, जिस तरह से 10 जून की आधी रात को जब राजेश पायलट की पुण्यतिथि थी 11 जून को, उस टाइम सचिन पायलट ने जब बीजेपी में जाने का जो मन बनाया था, प्लान तैयार किया था, उस प्लान को फेल करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की सभी सीमाएं बंद कर दी थी, यानी कि ना ही कोई बाहर जा सकता ना ही कोई आ सकता। उसी तरह से कल आधी रात को अशोक गहलोत ने राजस्थान की सीमाएं एक बार दोबारा बंद कर दी है, लेकिन इस बार ID कार्ड दिखा करके आप राजस्थान से बाहर जा सकते हैं, राजस्थान में
नहा भी सकते हैं। और एक तरह से सुरक्षा का लिहाज है, उसका हवाला है वो दिया गया है, जिस तरह से विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ और उनके गुर्गों को लेकर के जो अशोक गहलोत ने सुरक्षा का हवाला देकर के इस तरह से राजस्थान की सीमाओं को सील किया है। कुशलगढ़ की निर्दलीय विधायक है रमीला खड़िया, उन पर गहलोत की एसओजी ने आरोप मढ़े हैं और फिलहाल ये निर्दलीय विधायक हैं लेकिन ये कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस खानदानी कांग्रेस हैं ये, और इन्होंने भी कहीं ना कहीं अब अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एसओजी और एसीबी के अंदर जिन विधायकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे अन्य पार्टियों के हो, वो कभी भी अशोक गहलोत को समर्थन नहीं करेंगे। रातों रात एसओजी की टीम में बड़े बदलाव करके अशोक गहलोत ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी करवाया है, जिनमें 2 का नाम अशोक चौहान और 1 भट्ट मलानी है। तीसरा जो कॉल रिकॉर्डिंग पकड़ी गई थी, बताई जा रही है एसओजी के हाथ में है, अटैच चली थी उन कॉल रिकॉर्डिंग की जो सिम कार्ड जिसके नाम थी, तीसरा उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। विधायक ओम प्रकाश हुडला को भी विधायक खरीद फरोख्त का आरोपी गहलोत की एसओजी टीम ने बना दिया है। जी हाँ दोस्तों, इन विधायकों को लेकर के अब कई तरह के असमंजस हैं वो सामने आ चुके हैं। निश्चित तौर पर ये सभी के सभी सचिन पायलट को समर्थक विधायक हैं और ये अशोक गहलोत को अब तगड़ा झटका देने के लिए सचिन पायलट के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। सुखवीर सिंह, सुरेश टांक और ओम प्रकाश हुडला, ये 3 वो विधायक हैं जिनको कांग्रेस ने अपनी संबद्धता सूची से भी हटा दिया है। इन 3 विधायकों का, ये सभी के सभी 3 निर्दलीय विधायक हैं और इनका समर्थन अशोक गहलोत की सरकार को मिला हुआ था। ऐसे में इन पर एसीबी ने मुकदमा दर्ज कर लिया तो उसके बाद अशोक गहलोत और कांग्रेस ने इन 3 विधायकों का नाम, एक बार दोबारा देता हूँ, सुखवीर सिंह, सुरेश टांक, ओम प्रकाश हुडला, इन 3 विधायकों का नाम अपनी संबद्धता सूची से कांग्रेस ने हटा दिया है। यानी कि अशोक गहलोत को और कांग्रेस को राजस्थान में इनका समर्थन नहीं चाहिए, इस तरह की बात कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट कर दी गई है। लेकिन सचिन पायलट खेमे के इन विधायकों को लेकर के अब राजस्थान में अशोक गहलोत के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी द्वारा पायलट को मिलने का समय नहीं देना सेम वही गलती है जो सिंधिया जी के साथ हुई थी। सिंधिया जी को भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने मिलने का समय नहीं दिया था, उसके बाद 22 विधायकों के साथ कमलनाथ की सरकार को गिरा दिया था। उसी तरह से सचिन पायलट के 22 विधायक फिलहाल आईटीसी ग्रैंड होटल में मौजूद हैं, 24 विधायक फिलहाल हरियाणा के मानेसर में शिफ्ट हो चुके हैं। इसके अलावा 12 जो कांग्रेसी विधायक हैं वो पायलट के साथ फिलहाल दिल्ली में मौजूद हैं। जी हां दोस्तों, 10 से ज्यादा मंत्री सीएमआर की बैठक से गायब रहते हैं, यानी कि कांग्रेस के 23 मंत्री हैं उनमें से 10 मंत्री गायब रहते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बैठक से। तो ऐसे में अब अनुमान लगाया जा सकता है, ये संकेत मिलने शुरू हो चुके हैं कि अशोक गहलोत की सरकार अब चंद घंटों की ही बची है। जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने सभी विधायकों की बाड़ेबंदी की थी इसी आईटीसी ग्रैंड होटल के अंदर, उसी तरह से सचिन पायलट ने अपने सभी विधायकों की आईटीसी ग्रैंड में अब फिलहाल है वो बाड़ेबंदी की है। इसके अलावा 24 अपने विधायकों को हरियाणा के मानेसर भी सचिन पायलट भेज चुके हैं, यानी कि काफी ज्यादा संख्या फिलहाल बताई जा रही है। जिस तरह से ये पूरा मामला है वो सामने आया है, उसके हिसाब से 58 से ज्यादा जो कांग्रेस और निर्दलीय अन्य पार्टियों के जो सचिन पायलट समर्थक विधायक हैं वो अशोक गहलोत के साथ बगावत पर उतरे हुए हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि अशोक गहलोत की सरकार अब गिने दिनों की मेहमान रह चुकी है। जब से ये विधानसभा का चुनाव 2018 के अंदर हुआ था, सचिन पायलट के चेहरे पर राजस्थान में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, लेकिन उसके बाद सचिन पायलट को डिप्टी सीएम की गद्दी सौंपी गई, उनको मुख्यमंत्री की रद्द से बाहर कर दिया गया। उसके बाद अशोक गहलोत ने काफी ज्यादा कमिटमेंट करके पीसीसी चीफ का पद भी सचिन पायलट से छीनने की कोशिश की। ऐसे में सचिन पायलट काफी नाराज हुए और उन्होंने अशोक गहलोत के खिलाफ अब फाइनली मोर्चा खोल दिया है और इस मोर्चे में निश्चित है कि अशोक गहलोत की सीएम गद्दी उनके हाथ से निकलती हुई स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। अशोक गहलोत को अब तगड़ा झटका सचिन पायलट देने के लिए ठान चुके हैं। 58 से ज्यादा विधायक फिलहाल जो जयपुर से बाहर जा चुके हैं, ऐसे में 24 विधायक मानेसर पहुंच चुके हैं। ये सेम टू सेम वही कहानी हो रही है, मध्य प्रदेश के अंदर भी यही हुआ था। इन सभी 22 बागी विधायकों को पहले आईटीसी ग्रैंड होटल में ठहराया गया, उसके बाद उनको बेंगलुरु भेज दिया गया, उसके बाद उनको हरियाणा के मानेसर भेज दिया गया था,
वही सेम टू सेम यहाँ पर हो रहा है। 17 से 18 विधायक कल रात तक आधी रात तक पहुंच गए थे यहाँ पर गुड़गावा के लग्जरी कोलेशन होटल के अंदर, और ये सभी के सभी अब इनको ये जो 2400 की जब इनकी संख्या, तो इन सबको जो हरियाणा के मानेसर भेज दिया गया है। और पुलिस भी ITC ग्रैंड होटल के सामने काफी ज्यादा मौजूद है, इस तरह की बात भी सामने आई है। ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव अब सचिन पायलट राजस्थान में चाहते हैं, और ये जिस तरह से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ जो मनमुटाव है सचिन पायलट का, उसी का परिणाम है। और जिस तरह से राजस्थान में अशोक गहलोत ने राजस्थान कांग्रेस से सचिन पायलट को दरकिनार करने की कोशिश की थी, उसी का परिणाम है कि सचिन पायलट अब कांग्रेस का दामन छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कुल मिलाकर के 72 विधायक फिलहाल बीजेपी के पास मौजूद है, 3 RLP के विधायकों का भी समर्थन है, यानी कि 75 विधायक फिलहाल जो बीजेपी के पास मौजूद है, और 25 से 26 विधायकों की जरूरत फिलहाल निश्चित तौर पर बीजेपी को सरकार बनाने के लिए पड़ेगी। लेकिन जिस तरह सचिन पायलट ने 50 से भी ज्यादा विधायकों के जो बगावती सुर जिस तरह से दिखाई पड़ रहे हैं, उससे स्पष्ट नजर आ रहा है कि आसानी से भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेगी। 25-25 करोड़ रुपए में कांग्रेसी विधायकों को खरीदने और 20-20 करोड़ रुपए में निर्दलीय विधायकों को खरीदने का आरोप SOG में अशोक गहलोत की तरफ से लगाया गया था। लेकिन इन आरोपों को लेकर के सचिन पायलट जो डिप्टी CM की गद्दी पर बैठे हैं, और वो SOG के नोटिस पर कैसे जवाब तलब कर सकते हैं, इस तरह की बात को लेकर के असमंजस है वो कांग्रेस में पैदा हुआ। उसी का परिणाम निकला है कि सचिन पायलट अब अशोक गहलोत को तगड़ा झटका देने के लिए अपनी सभी समर्थक विधायकों को गुड़गावा ITC ग्रैंड होटल और इसके अलावा हरियाणा के मानेसर में भेज रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में लगातार सचिन पायलट बने हुए हैं। अशोक गहलोत की CM कुर्सी अब उनके हाथों से खिसक भी चुकी है। फिलहाल कांग्रेस राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।